फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आई हूँ। और देखिए, ये जो है आपका टॉपिक जो होता है फार्माकोलॉजी में, जनरल फार्माकोलॉजी जो होता है हमारा, उसके एमसीक्यूज हैं। ओके, देखिए, आपका कोई भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, देखिए अभी जैसे आपका एमपी में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है और आपका सीआरपीएफ का भी है, डिफरेंट डिफरेंट आपके बहुत से जो है फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने वाला, तो जनरल फार्माकोलॉजी वाला पोर्शन है, ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोलॉजी में। ओके, तो मैंने इसका वीडियो बना के डाला हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट 130 क्वेश्चंस है, आप वो देख लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है उस वीडियो में। इस वीडियो में जो है मैं 50 क्वेश्चंस लेके आए, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट जो फार्मासिस्ट के एग्जाम उनमें क्वेश्चन आए हुए, वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग, तो इनमें से जो है कौन सा क्या है प्रोड्रग, ये बताना है। तो ये भी प्रोड्रग वाला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोड्रग का सारा आपको डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं सारा पता होने चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रोड्रग है, अटोरवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन या फ्लोवास्टैटिन। तो देखिए, आपका सिमवास्टैटिन जो होता है ये आपका प्रोड्रग होता है, या आपके एमपी में जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, एमपी 2020 का फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है ये, तो सिमवास्टैटिन इसमें से प्रोड्रग है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मैसेंजर ऑफ द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तो सेकंड मैसेंजर जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का इनमें से कौन सा है। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन ए साइक्लिक एएमपी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड ड्रग रेस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन इंडिविजुअल रेसिपिएंट आर डिफाइंड एज इडियोसिंक्रेटिक, टेराटोजेनिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलेक्सिस। ओके, तो अनएक्सपेक्टेड ड्रग रेस्पॉन्स जो है ये आपका किस में आ जाएगा, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस में आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज आर नोन एज, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन इंजेक्शन, देखिए हमें पता है जब आईवी रूट से ड्रग देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। तो कौन से इंजेक्शन में बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो इंटरावीनस में होगी, क्योंकि आईवी रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ, तो ये क्या है, एक टाइप का क्या होता है, ड्रग एक्शन होता है, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंप्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट जो होता है लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, मतलब कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए, ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन बिल्कुल गलत बात है, इसमें तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ट्रांसपोर्ट ड्रग थ्रो ए मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन या एनगल्फ ऑफ ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन विद ए न्यू वेसिकल, या ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें होता है। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट जो होता है अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, अगर आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो अलोंग होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, तो ड्रग एक्सक्रीशन का रूट कौन सा नहीं है, देखिए लंग्स होता है, किडनी स्किन हो जाएगा, स्टमक नहीं होता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट का, एडवांटेज आपसे पूछा है, देखिए रैपिड एक्शन तो ये तो एडवांटेज हो गया, कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स ये भी एडवांटेज है, ड्रग एब्जॉर्प्शन गट इज बायपास ये भी सही एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज हो जाएगा, इनकन्वीनियंट होता है और पेनफुल होता है पेरेंट्रल रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एगोनिस्ट कंबाइंड विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस, तो एगोनिस्ट जो है रिसेप्टर से कंबाइन करेंगे और क्या प्रोड्यूस होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारा। जैसे ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज डेफिनेशन बहुत से एग्जाम में पूछ ली, ऑर्फन ड्रग्स की जो ड्रग होती है रेयर डिजीज के लिए उसके, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये डेफिनेशन पूछी ऑर्फन ड्रग्स की, तो रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्फन ड्रग्स, याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, टू स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग प्रोवाइडिंग सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर सेट टू बी, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शंस देख लीजिए इसके,
ये होते हैं आपके थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट होता है, ओके ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन, तो इसेंशियल मेडिसिन की डेफिनेशन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बन रहा है, तो इसेंशियल ये आपके जो एमपी में एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन है, ओके। तो जो इसेंशियल मेडिसिन क्या होती है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो ये जो होती है सेटिस्फाई करती है प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, ऑप्शन थ्री आपका राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज सेल ड्रिंकिंग, ये एमपी के 2022 का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, उसका क्वेश्चन है सेल ड्रिंकिंग जो होता है पिनोसाइटोसिस हो जाएगा, अगर सेल ईटिंग जो होता है ना वो फैगोसाइटोसिस होता है, तो आपका ऑप्शन बी पिनोसाइटोसिस हो गया। जैसे वैन इंजेक्शन ओनली नीड आ शॉर्ट थिन नीडल सिंस दे आर एडमिनिस्टर्ड इन एडिपोज टिश्यू दैट लाइज बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, तो कौन से इंजेक्शन की बात हो रही है आप लोगों ने बताना है, ऑप्शन देखिए इसके बताइए कौन सा इंजेक्शन है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की बात हो रही है, ओके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में क्या होता है, इज अ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस का मतलब होता है अंडर द स्किन, इन दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन की इसमें क्या होता है शॉर्ट नीडल यूज करते हैं टू इंजेक्ट अ ड्रग इन टू टिश्यू लेयर बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, ओके। नेक्स्ट वट इज रिलेटेड टू कॉस्ट, दैट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ड्रग मेडिकली, ठीक है, तो कॉस्ट से रिलेटेड है, तो कौन सी किस में होगा, देखिए फार्माकोजिनोमिक्स से थेरेप्यूटिक्स, इकोनॉमिक्स से थेरेप्यूटिक्स, तो देखिए ये आपका फार्माको कौन सा होगा, फार्माको इकोनॉमिक्स जो है कॉस्ट से रिलेटेड हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो डेफिनेशंस के ऊपर भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो देखिए डेफिनेशन एक दो देख लीजिए, फार्माको इकोनॉमिक्स का तो हमारा हो ही गया, क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना, तो इसमें क्या होता है ब्रांच है ये हेल्थ इकोनॉमिक्स की, विच डिज आइडेंटिफाई मेजरिंग कंपेयरिंग कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस। फिर फार्माकोजिनोमिक्स में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं हाउ जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट देयर रेस्पॉन्स टू ड्रग्स। फिर फार्माकोथेरेप्यूटिक्स होता है एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन मिटिगेशन और क्योर। फार्माको एपिडेमियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इन्वेस्टिगेटिंग इन रियल कंडीशंस ऑफ लाइफ बेनिफिट्स रिस्क एंड यूज ऑफ ड्रग, ओके। ये हो गया फार्माको एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्यूट टॉलरेंस, एक्यूट टॉलरेंस एकदम से टॉलरेंस डेवलप हो गया, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी इसको बोल सकते हैं आप लोग, तो बताइए क्या होती है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस जिसको बोलते हैं ना, ऑप्शन सी हो गया टैकीफाइलैक्सिस। नेक्स्ट है व्हाट आर बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इंपैक्ट ऑफ मेडिकेशंस क्वांटिटेटिव स्टडी, देखिए मेडिकेशन बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इंपैक्ट ऑफ मेडिकेशंस क्वांटिटेटिव स्टडी, तो ये आपका आता है फार्माकोडायनामिक में आएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अ स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट एंड पॉइजनिंग ऑफ ड्रग, पॉइजनिंग भी साथ में लिया हुआ है, सिर्फ एडवर्स इफेक्ट होता था तो फार्माको विजिलेंस कह देते, लेकिन पॉइजनिंग आ गया तो क्या बोलेंगे, टॉक्सिकोलॉजी बोलना पड़ेगा, ऑप्शन डी राइट हो गया, ओके। फार्माको विजिलेंस में मतलब क्या होता है, ऑल्सो नोन एज ड्रग सेफ्टी द फार्मास्यूटिकल साइंस रिलेटेड टू द कलेक्शन डिटेक्शन असेसमेंट मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट विद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट व्हाट ब्रांच ऑफ मेडिसिन बायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग और मेडिसिन वर्क, ही कहाँ पढ़ते हैं कि ड्रग और मेडिसिन कैसे काम करती है, फार्माकोलॉजी के सिंपल डेफिनेशन ही तो ये है ना, डेफिनेशन से क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट हो गया फार्माकोलॉजी, ओके। तो ये एमपी के 2022 में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट ए ड्रग विद हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर्स के लिए एफिनिटी इसकी हाई है और हाई इसकी इंट्रेंसिक एक्टिविटी भी हाई है, तो ये हमारे तो एगोनिस्ट होते हैं ना, फुल एगोनिस्ट जो होते हैं, एगोनिस्ट हो जाएगा, हाई एफिनिटी होती है और हाई इंट्रेंसिक एक्टिविटी होती है, आंसर इज ऑप्शन ए एगोनिस्ट की बात हो रही है, ओके। देखिए एफिनिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद रिसेप्टर, रिसेप्टर से कंबाइन करने की एबिलिटी को एफिनिटी बोलते हैं, ओके। और इंट्रेंसिक एक्टिविटी क्या होती है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कंफर्मेशन चेंज इन रिसेप्टर, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी की रेंज होती है 0 से 1, तो एगोनिस्ट की क्या होती है एफिनिटी भी होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है मतलब कि 1 होती है, एंटागनिस्ट की एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है, पार्शियल एगोनिस्ट की एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 में चली जाती है, ओके। नेक्स्ट मेजर करियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन बायोस्ट्रीम, तो एसिडिक ड्रग जो होती है एल्ब्यूमिन से जाके बाइंड होती है और बेसिक जो होती है अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है, तो इसका एसिडिक का पूछा तो एल्ब्यूमिन, सिंपल आपने ऑप्शन जो है डी राइट करना है ना, तो एसिडिक ड्रग तो बाइंड होंगे एल्बुमिन से, बेसिक ड्रग अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। नेक्स्ट टेराटोजेनिक ड्रग बताइए जो फिटस को एबनॉर्मलिटी कोज कराएगी, अगर प्रेग्नेंट वुमन को दे देंगे तो फिटस में जो एबनॉर्मलिटी कोज कराते हैं उसको तो टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं ना, तो बता दीजिए कौन सी ड्रग टेराटोजेनिक है,
फिनिटोइन दिया है, वॉरफ्रिन, डाइसाक्लोमिन, टिलबेस्टिरोल। मेरे हिसाब से डाइसाक्लोमिन नहीं होगी, बाकी तीनों तो टेराटोजेनिक है ना। तो देखिए टेराटोजेनिक इफेक्ट लिखा हुआ फिनिटोइन का, हाइपोप्लास्टिक फिलेंजिस हो जाएंगी, क्लेफ्ट लिप या प्लेट माइक्रोसिफेली, वॉरफ्रिन में डिप्रेस नोज, आइज एंड हैंड इफेक्ट, ग्रोथ रिटार्डेशन। टिलबेस्टिरोल से क्या हो जाता है, वजेनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग, और वॉलपोरिक एसिड जो है स्पाइना बाइफिडा कोज करा देता है। और बाकी थैलिडोमाइड का तो आपको पता ही है, थैलिडोमाइड जो होता है क्या करा देता है, थैलिडोमाइड फोकोमीलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोकोमीलिया, सी लाइक लिम्स हो जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट, बहुत से एग्जाम में पूछा है। नहीं तो इफ़ टू और मोर डोज फॉर्म ऑफ सेम ड्रग, ठीक है, सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, तो इनको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं ना। ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, केमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉर्म इज सुटेबल टू गेट 100% बाय अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, आईवी रूट से ड्रग देंगे तो ड्रग की बाय अवेलेबिलिटी 100% हो जाएगी, तो आईवी इंजेक्शन इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, एनाफिलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, तो एनाफिलैक्टिक एलर्जी टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी में आती है, ओके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल फॉर टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल पूछे हैं, देखिए आईजीई मीडिएटेड जो टाइप वन में आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑप्शन बी आईजीई मीडिएटेड रिएक्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हीलन फ्लेयर रिएक्शन इज करेक्टरिस्टिक रिएक्शन विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो व्हीलन फ्लेयर रिएक्शन जो होते हैं ये भी किस में है, टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है वो आपकी टाइप फोर रिएक्शंस होती है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी, तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई दिया कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, इसमें आईजीई इन्वॉल्व होती है, ऑप्शन देखिए बी में दिया आईजीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया इज क्लासिफाइड अंडर, तो एक कौन से टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, टाइप ए बी सी या डी, तो ये जो है टाइप ए टाइप की जो टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आता है इंसुलिन इंड्यूस, जो इंसुलिन जो हाइपोग्लाइसीमिया कोज कराता है। ओके देखिए टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखिए जो टाइप ए जो होती है ये कहते हैं प्रिडिक्टेबल होती है, ओके और ये कहते हैं ऑगमेंटेड बोलते हैं इनको, और ये रिएक्शन बेस्ड होते हैं फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, विच मीन्स दैट दे आर ऑगमेंटेड बट क्वालिटेटिवली नॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ द ड्रग, इंक्लूड साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विद्रॉल, दे आर मोर कॉमन, मोर डोज रिलेटेड होती है, मोस्टली प्रिवेंटेबल होती है, रिवर्सिबल होती है, टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में सारी बातें। ओके टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय डैश एंटीबॉडी, वही क्वेश्चन है देखिए एमपीएससी के 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, आईजीई हो जाएगा ना आपका जो मेडिएटेड होती है, टाइप वन जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय आईजीई। नेक्स्ट है ड्रग हैविंग हाइड्राजीन रेजिड्यू आर मेटाबोलाइज्ड बाय गैटिक कॉन्जुगेटेड थ्रू, ठीक है हाइड्राजीन रेजिड्यू वाली ड्रग जैसे आपकी हाइड्रालाजीन है ना, सल्फोनामाइड्स होती हैं, तो इसमें जो हाइड्रालाजीन रेजिड्यू वाली ड्रग है तो इनके लिए आपका क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TDM refers to therapeutic drug monitoring, जो TDM होता है ना, therapeutic drug monitoring ऑप्शन बी में दिया है ना। नेक्स्ट है व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स, बहुत ही थोड़े टाइम में डेवलप होता है डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग, तो इसको क्या बोलते हैं, वही है टैकीफिलैक्सिस की डेफिनेशन है, थोड़ा सा लग करके पूछ लिया। ओके महाराष्ट्र का 2021 में फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन है ये, टेराटोजेनिसिटी रेफर्स टू सिंपल टेराटोजेनिसिटी की डेफिनेशन है, कितना ईजी क्वेश्चन है, एबिलिटी ऑफ टू कोज डिफेक्ट इन द फिटस, फिटस को जो डिफेक्ट कोज करा देती है ना वो टेराटोजेनिसिटी होती है, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्रग बतानी है कौन सी है, इसमें से एम्पेसिलिन सल्बेक्टम जेंटामाइसिन लिवोडोपा इज अ प्रोड्रग ऑफ डोपामिन, पढ़ते हो ना, तो लिवोडोपा किसकी प्रोड्रग है, डोपामिन की प्रोड्रग है, कर्नाटका के फार्मासिस्ट के एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय द ड्रग, इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, सिनर्जिज्म की बात हो रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा सिनर्जिज्म। बाकी देखिए टॉलरेंस का मतलब होता है रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस ए गिवन रेस्पॉन्स, एंटागोनिज्म व्हेन इफेक्ट ऑफ वन ड्रग रिड्यूस और इनहिबिटेड बाय द अदर, टैकीफिलैक्सिस हमें पता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, एक्यूट टॉलरेंस है ना। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक फार्माकोडायनेमिक होता है, फार्माकोडायनेमिक में मतलब कि ड्रग डस्ट टू द बॉडी, ड्रग क्या करती है, काइनेटिक में जो पढ़ते हैं आप लोग एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन की स्टडी पढ़ते हैं, मतलब कि बॉडी का इफेक्ट, व्हाट बॉडी डस्ट टू द ड्रग,
ओके, ये सिंपल डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं ना तो ये स्टार्टिंग की डेफिनेशंस वगैरह तो बिल्कुल आपको मतलब कि टिप्स पे होनी चाहिए। फार्माको एडीएम या एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन हो गया ना, तो इसमें देखिए आपको मेटाबॉलिज्म दिया, एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ डी और बी का ही अंतर है, ऑप्शन जो है बी हो जाए, एड्जॉर्प्शन ना हो क्या एब्जॉर्प्शन होता है, जो ऑप्शन सी में दिया, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फार्माकोकाइनेटिक, वही हो गया फार्माकोकाइनेटिक, एडीएमई की स्टडी ढूंढ लीजिए किसमें लिखा हुआ है, एडीएमई एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन स्टडीज जो है फार्माकोकाइनेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट बाय अवेलेबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन पूछा, फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग का सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके ऑप्शन सी में दिया है, फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग का सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बताइए, देखिए ऑप्शन डी दे में देखिए आपको दिया है प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, तो ये क्वेश्चन भी एलडी 50 और ईडी 50 का रेशियो होता है, तो देखिए जो आपका ऑप्शन ए हो जाए टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज। नेक्स्ट है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज अचीव्ड बाय, तो इसके लिए होता है मैक्सिमम जो ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता है पैसिव डिफ्यूजन से होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट और हाई एफिकेसी होती है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फुल एगोनिस्ट ना, तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, फुल एगोनिस्ट की बात हो रही है। देखिए एगोनिस्ट जो एगोनिस्ट है ये एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को और मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, पार्शियल एगोनिस्ट सब मैक्सिमली एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर को, इनका इंटरमीडिएट इफेक्ट आएगा, इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू प्रोड्यूस बाय एगोनिस्ट। ओके एंटागोनिस्ट डज नॉट हैव ऑन इफेक्ट प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। ओके जैसे नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर में बताइए कौन सा आता है, एलोपिरिनोल कार्बिडोपा फाइसोस्टामिन एसिटाज़ोलामाइड इज नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर, ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटाज़ोलामाइड जो है क्या है नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर होता है। नॉन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्पल्स में एसिटाज़ोलामाइड डाइसल्फिराम थियोफाइलिन सिलोडेनाफिल लोवास्टैटिन प्रोपाइल थायोयूरेसिल आता है डिजोक्सिन ओमेप्राजोल एस्पिरिन इंडोमेथासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज फॉर द जेनरिक के लिए यूज करते हैं ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जेनरिक नेम। नेक्स्ट ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहेंस्ड इन अल्कलाइन यूरिन, कौन सी ड्रग एक्सक्रीशन अल्कलाइन यूरिन में एनहेंस होगा, अल्कलाइन मतलब कि अल्कलाइन यूरिन है तो इसमें क्या होगी एसिडिक ड्रग होगी ना वो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी आयोनाइज हो जाएगी, आयोनाइज होगी तो कि वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, तो देख लीजिए कौन सा एसिडिक ड्रग दी हुई है, सैलिसिलेट्स हैं आपके इसमें एक्सेप्ट पूछा, देखिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, मतलब कि इसमें एक बेसिक आप लोग देख लीजिए क्योंकि सारे के सारे ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा एक को छोड़ के, देखिए सैलिसिलेट दिए हैं पैथिडिन दिया है बारबिट्यूरेट सल्फाडॉक्सिन, तो आपका पैथिडिन जो बेसिक में आ जाएगा ना तो इसको छोड़ के बाकी तीनों ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा अल्कलाइन यूरिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज इंडिकेटेड ऑफ द ड्रग की सेफ्टी को इंडिकेट करता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट जिसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल सेल एबनॉर्मलिटी इज टर्म्ड एज टेराटोजेनेसिटी म्यूटोजेनेसिटी पैथोजेनेसिटी या कार्सिनोजेनेसिटी, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।